नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ, जय मां मंगला। मैं संध्या, मैं स्वागत कर रही हूँ मेरी किचन संदेश किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारी उड़ीसा फेमस खास्ता गजा, और इसको हम बोलते हैं खीरो गजा भी बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो इसीलिए मैं इधर ली हूँ मैदा 1 कप ली हूँ, और इसके साथ मैं ली हूँ घी, उसको मैंने मेल्ट करके ली हूँ 4 से 5 चम्मच। और उसके साथ मैंने इधर ली हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक और 2 पिंच बेकिंग सोडा, और इधर मैं ली हूँ 1/2 चम्मच सौंफ, और ये मैंने कच्चा ली हूँ। तो और अभी मैंने गूंदने के लिए, आटा गूंदने के लिए मैं इधर ली हूँ दूध, और इसको हम ओडिया में बोलते हैं खीरो, तो इसके वजह से हम उसको खीरो गजा भी बोलते हैं। तो चलिए, तो इधर मैं एक बॉल ली हूँ और इसके अंदर मैंने मैदा डाल दी हूँ, और इसके अंदर अभी मैं डालूँगी नमक और बेकिंग सोडा, और इसके बाद मैं उसके अंदर डालूँगी सौंफ, और उसको मैं थोड़ा हाथों से ऐसा कम कर लूँगी। तो उसको हम अच्छे से ऐसा कम करने के बाद इसके अंदर अभी हम डालेंगे घी, और उसको मैंने चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा के डालूँगी, और उसके बाद मैं उसको अच्छे से मिलाऊँगी। तो घी से क्या होता है ना, अच्छा खास्ता बन जाता है। अगर आप चाहे तो घी के जगह तेल को भी थोड़ा मतलब हल्का गर्म करके भी ले सकते हैं, पर घी से क्या होता है ना, उसका खुशबू भी बहुत ही अच्छा आता है और खास्ता भी बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, अभी हाथों में ऐसा मुट्ठी करने से वो अच्छे से पूरा ये हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अच्छे से खास्ता हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैं इधर कच्चा दूध ली हूँ, अगर आप चाहे तो उबला हुआ दूध को भी थोड़ा ठंडा करके ले सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी और उसका एक टाइट सा डो बनाऊँगी, जैसे कि मैंने फेनी में बनाया था, पर उसमें मैंने पानी ऐड किया था, और जैसा टाइट डो बना था बिल्कुल वैसा ही है, वही प्रोसेस है, पर इसमें कुछ कुछ अलग है। तो देखिए, आपको सौंफ भी पसंद ना हो तो आप सौंफ को अवॉइड कर सकते हैं, पर सौंफ से क्या होता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसका मैंने अच्छे सा एक डो बना। तो देखिए, अभी मेरा इधर 3 से 4 चम्मच दूध भी बच गया है, तो इसको मैंने साइड में रख दी हूँ, और अभी हम थोड़ा सा डो को और थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, फिर उसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए उसको साइड में रख देंगे। तो देखिए, जब हमारा डो परफेक्ट बन जाता ना, तभी देखिए जो हम जिस बर्तन में डो बनाना मतलब डो बनाते हैं, वो बर्तन पूरा साफ़ हो जाता है ना, और हाथ भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा डो कितना परफेक्ट बना है ना। तो देखिए, अभी मैंने उसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके उसको साइड में रख दूँगी, और इधर मैंने चाशनी के लिए ली हूँ 1 कटोरी शक्कर, और इसके साथ मैं ली हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नींबू का रस, और इधर मैंने ली हूँ 3 इलायची को थोड़ा कूट के ली हूँ फ्लेवर के लिए। तो 1 कटोरी शक्कर के लिए हम लेंगे 1 कटोरी पानी। तो मैंने अभी गैस की फ्लेम को मीडियम पर रख के एक बर्तन में 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी पानी को मैंने ऐड कर दी हूँ, और देखिए अभी ये उबलना स्टार्ट हो गया। तो मैं इसके अंदर अभी मैं डाल दी हूँ इलायची को, और अभी हम उसको चाशनी को मतलब एक तार आने तक पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए, अभी हमारा एक तार आ गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो रखे हुए नींबू के रस डाल देंगे, ताकि ये हमारा मोटा ना हो, अभी जैसा है वैसा ही रहेगा चाशनी। तो देखिए, चाशनी को अभी हम साइड कर देंगे, और इधर हमारा डो भी रेडी हो गया है, क्योंकि मैं 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दी थी, तो अभी अच्छे से सेट हो गया है। तो अभी हम इससे गजा बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो इससे पहले मैंने किचन के काउंटर को बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और उसके ऊपर मैं अभी बनाऊँगी। तो पहले हम डो को ऐसा अच्छे से गोल थोड़ा करेंगे, और उसके बाद हमने ऐसे लिपटा देंगे, अच्छे से गोल गोल जैसा पूरा लिपटा देंगे, फिर उसके बाद हम उसको कट करके उसके ऊपर ऐसा रखेंगे, फिर से हम उसको थोड़ा दबाएँगे, फिर हम उसको फिर से बीच में कट करेंगे, फिर इस तरह से करते करते हम ये प्रोसेस को 8 बार दोहराएँगे। देखिए, ऐसे हम उसका 8 लेयर करना है। फिर हम उसको ऐसा कट करेंगे, फिर से उसके ऊपर ऐसा रख के फिर से हम उसको
ऐसे ही दबाएंगे अच्छे से। तो देखिए अभी हमारा ठीक से हो गया है। तो अभी मैं उसको क्या करूँगी, कट कर लूँगी छोटा छोटा पीस से। तो अभी हम उसको ऐसे पहले बड़े बड़े पीस करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा छोटे छोटे पीस उसको कर लेंगे। देखिए अभी हम क्या करेंगे, बीच से उसको हम ऐसे ऐसे कट करेंगे। देखिए अभी हमारा हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बर्तन में ये सारे गजा को रख लेंगे और तलने के लिए हम तेल गरम करेंगे। तो मैं इधर ली हूँ सनफ्लावर ऑयल, आप चाहे तो इसके जगह घी भी ले सकते हैं और घी से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो मैं इधर सनफ्लावर ऑयल ली हूँ और उसको हम हल्का ही गरम करेंगे। और अभी मेरा गैस की फ्लेम पूरा स्लो है। देखिए अभी हम जब गजा को उसके अंदर डालते हैं तो उससे बबल्स नहीं आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही गर्म होना चाहिए। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म भी हो गया हो, अगर मतलब ज़्यादा गजा बना रहे हैं और बीच में ज़्यादा गर्म हो गया, तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके फिर उसके बाद आप थोड़ा सा चालू मतलब फिर से ऑन करके उसको हल्का गर्म करके फिर से हम तलिएगा उसको। नहीं तो क्या होता है ना, अंदर का कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ही ऐसा पक जाएगा। तो देखिए अभी मैंने स्लो में ही उसको पका दी हूँ। अभी हमारा ये बन के बिल्कुल रेडी है। और देखिए उसका डबल भी हो गया है। जब तलने के बाद क्या होता है ना, ये डबल हो जाता है, उसका जो लेयर रहता है ना डबल हो जाता है। और देखिए बहुत ही खस्ता भी बना है। देखिए ऐसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम उसको ऐसा फ्राई करके अच्छे से निकाल देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, चाशनी में उसको रख लेंगे। और चाशनी भी हमारा हल्का गर्म है, तो अभी हम इसके अंदर गोजा को डाल के उसको हम 15 से 20 मिनट के लिए उसको कवर करके रख देंगे। और उसको हम बीच बीच में से पलटते रहेंगे। तो देखिए 25 मिनट के बाद मैंने गजा को निकाल दी हूँ एक कटोरी से, और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। देखिए और इसके अंदर बहुत ही अच्छे से शुगर सिरप को बहुत ही अच्छे से सोख लिया है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि ऊपर से क्रिस्पी रहता है और अंदर से नरम रहता है, और खाने में ये बहुत ही टेस्ट लगता है। आप उसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं उसको एक तोड़ के आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए अंदर तक पूरा हमारा चाशनी गया है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर मिलूँगी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।